बात देशहित के ऊपर दलहित को रखने वाली सियासत की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत को बंगाल में लागू नहीं करने का फैसला किया। और उधर बीजेपी ने ममता से कहा है कि वो योजना को रोककर बंगाल के गरीबों के साथ अन्याय कर रही है। गरीबों को सताकर मोदी से बदला लेंगी ममता। आयुष्मान भारत से क्यों घबरा गई ममता? ममता बनर्जी ने यह कहकर आयुष्मान योजना को बंगाल में बंद करा दिया कि अगर केंद्र सरकार इस योजना को चलाना चाहती है तो पूरा का पूरा पैसा केंद्र को ही देना पड़ेगा। आयुष्मान भारत योजना के तहत देश के हर 12 सेकंड में गरीब का मुफ्त और कैशलेस इलाज हो रहा है। इसके तहत अभी तक 8.5 लाख से अधिक लोगों का इलाज हो चुका है। 6 करोड़ से अधिक गोल्डन कार्ड जारी किए जा चुके हैं। योजना के तहत 50 करोड़ से अधिक लोगों को सालाना 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दिया गया है। समग्र देश के हर नागरिक का स्वास्थ्य बेहतर रहे, इसके लिए सरकार दिन रात में काम में जुटी है। सरकार का निरंतर प्रयास है कि देश के गरीब को, मध्यम वर्ग के परिवारों को कम से कम कीमत में उत्कृष्ट स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। इसके लिए केंद्र सरकार ने जेनरिक दवाओं को भी प्राथमिकता दी। इस योजना का असर जानने के लिए हमने बेंगलुरु में रियलिटी चेक किया। 48 साल के पुरुषोत्तम पेशे से सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं। कंपनियों से सामान लेकर दुकानों पर पहुंचाते हैं। माता पिता, दो बच्चे और पत्नी के साथ 6 सदस्यों के परिवार का गुजारा भर हो पाता है। थायराइड की समस्या से पीड़ित थे। प्राइवेट डॉक्टर ने ऑपरेशन की सलाह दी थी जिसमें 1 लाख रुपए का खर्च बता दिया। तब उन्हें आयुष्मान भारत योजना के बारे में पता चला। 5 जनवरी को उनका ऑपरेशन हुआ और अब उनकी घर जाने की तैयारी है। ये सब कुछ आयुष्मान योजना से ही संभव हो पाया। आयुष्मान भारत योजना के पहले 100 दिन में 6 लाख से ज्यादा मरीजों के इलाज पर बिल गेट्स ने भी इस योजना की तारीफ की, जिस पर पीएम मोदी ने भी धन्यवाद दिया। और महज 100 दिनों में 8 लाख लोगों को त्वरित रूप से आयुष्मान भारत का लाभ मिला। प्रधानमंत्री के दिशा निर्देश पर बनाई गई इस योजना का ना सिर्फ स्वागत हिंदुस्तान में हुआ बल्कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज जैसे कि WHO और कुछ ग्लोबल सिटीजन्स जैसे कि बिल गेट्स, इन्होंने आयुष्मान भारत का स्वागत किया। सवाल यह है कि यह कैसी सियासत है जो एक अच्छी योजना को भी सिर्फ राजनीतिक नुकसान के डर की वजह से लागू नहीं होने देती? क्या ममता बनर्जी को डर है कि उनकी राजनीतिक जमीन पूरी तरह खिसक जाएगी? क्या ममता बनर्जी को इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। गरीबों को शिकार बनाया जा रहा है सियासी विरोध के चलते।